अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं, पीएसएल का सीजन चल रहा है, तो ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को कैच किया जाए, इससे कुछ अर्न किया जाए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि हम किस तरह थ्रू ब्लॉगर्स और एडसीरा इन पीएसएल के जो मैचेस हैं उनसे हम अर्न कर सकते हैं। आपके साथ मैं अपना पेमेंट प्रूफ भी शेयर करूंगा। तो अगर आप इन स्टेप को सीखते हैं, समझते हैं, सेम एज इज फॉलो करते हैं, एक दिन के अंदर $3-4 आप मिनिमम इजिली अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। विदाउट फर्दर डिले स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड, डिजिटल स्किल्स के रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। इन स्टेप को भी आपने अच्छे से समझ लेना है। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो ये सारा काम आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको लैपटॉप के ऊपर इसलिए गाइड कर रहा हूँ क्योंकि फॉन्ट बड़े होते हैं, डिस्प्ले साइज बड़ा होता है, आपको समझने में आसानी होती है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। सबसे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने ब्लॉगर के ऊपर अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। ये आपके सामने है मेरी ब्लॉगर की वेबसाइट, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने वेबसाइट क्रिएट करना, उसको कस्टमाइज करना, एडसेरा का अकाउंट क्रिएट करना और उसके ऊपर आपने एड सेटअप किस तरह करना है, ये सारी चीजें डिटेल के साथ मैंने कवर की हुई है। अगर यही चीजें मैं इस वीडियो के अंदर अगेन आपको करके दिखाऊंगा तो यार वीडियो फजूल में लंबी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं करना चाह रहा। इंशाल्लाह टू दी पॉइंट बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने अर्न कैसे करना है। ठीक है, वेबसाइट आप बना लेंगे, कस्टमाइज कर लेंगे, हर चीज कर लेंगे, लेकिन जब आपको अर्निंग नहीं होगी तो उसका क्या फायदा होगा। ठीक है, ये चीजें आपने अभी समझ लेनी है। तो वेबसाइट क्रिएट करने के बाद देखें, आपने यार अगर कुछ कमाना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, कुछ सीखना पड़ेगा और इन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो वेबसाइट क्रिएट करने के बाद, सारी चीजें सेटअप करने के बाद आपने न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, भी इसके ऊपर लाइव ट्रैफिक भी आएगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, कंप्लीट गाइड करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपने इसके न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। इधर आपने टाइटल देना है, टाइटल आपने कौन सा देना है, आपने सर्च बार में आना है। इधर आपने चेक करना है कि आज मैच किस किस टीम का, ठीक है, पीएसएल का जो अभी मैचेस चल रहे हैं तो किस टीम का मैच है। इधर आपने आके सर्च कर लेना है टुडे लाइव मैच, ठीक है, टुडे मैच, पीएसएल मैच, इस तरह आप सर्च कर सकते हैं, जिस तरह भी आपने करना है आपने कर लेना है। इधर हम लिख लेते हैं टुडे मैचेस, टुडे पीएसएल मैचेस, ठीक है, ये इधर आ चुका है टुडे पीएसएल मैचेस। और आज जो मैच चल रहा है वो मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का चल रहा है। तो इधर से हम फिर हमें टाइटल का जो आइडिया है वो मिल जाता है कि हमने टाइटल कौन सा रखना है। ठीक है, तो इधर हम टाइटल दे देते हैं, अगेन हम आते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, इधर हम टाइटल देते हैं टुडे टुडे लाइव मैच, टुडे पीएसएल लाइव मैच, पेशावर ज़ल्मी वर्सेज मुल्तान सुल्तान, तो ये हमारा टाइटल होगा। इस तरह आपने टाइटल देना है। ठीक है, तो ठीक है जी, टाइटल मैंने दे दिया टुडे लाइव पीएसएल मैच मुल्तान सुल्तान वर्सेज पेशावर ज़ल्मी, इधर मैंने स्पेस नहीं दिया, स्पेस दे देते हैं। ठीक है, और इसको मैं इधर से कॉपी कर लूंगा, कॉपी करने के बाद मैं इसको अगेन कर दूंगा, इससे ये जो सर्च डिस्क्रिप्शन है इसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम आएंगे अगेन इसके ऊपर। ठीक है, अभी आपने क्या करना है कि अभी हमने इधर सर्च किया था टुडे पीएसएल लाइव मैच, तो इसका हम इधर से एक बैनर जो है वो जो इमेज है वो हम डाउनलोड कर लेंगे। बेस्ट है कि आप खुद उसको कस्टमाइज कर ले, कैनवा के अंदर जाके आप उसको डिजाइन कर लें। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं, आप इधर से कोई भी एक रैंडमली जो है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने है मुल्तान सुल्तान कोटा ग्लैडिएटर्स। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट गाइड करने के लिए कर रहा हूँ, आपने उसी टीम के रेलिवेंट जो है वो इसको डाउनलोड कर लेना। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ये आपके सामने इधर जो है वो सेव हो चुका है, इसको हम इधर से सेव कर लेते हैं। और उसके बाद अगेन आएंगे हम अपनी वेबसाइट के अंदर, इधर आके आपने इंसर्ट इमेज के अंदर आना है और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के अंदर आना है, और इधर आके आपने चूज फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है और इधर से आपने उस इमेजेस को ले लेना है। ठीक है, जो अभी हमने डाउनलोड की थी। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको एज ए एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, आपने उस रेलिवेंट जो है वो उस मैच के रेलिवेंट, जैसे कि ये मुल्तान सुल्तान है और कोयटा ग्लैडिएटर्स है, तो आपने इधर से पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान का डाउनलोड कर लेना है, या कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, आप एक्स्ट्रा लार्ज आपने इसको कर देना है, अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपको एक बड़ा सा पोस्टर नजर आएगा। ठीक है, तो ये 2023 का है, जस्ट मैं आपको एज एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, आपने लेटेस्ट जो है वो लेना है। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने थोड़ा सा इसको इंटर करना है और उसके बाद आपने अगेन आना है इसके अंदर इंसर्ट इमेज के ऊपर और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर इजीली कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और उसके बाद वॉच नाउ का आपने एक बटन ले लेना है और ये आपके सामने सेम आपने उन्हीं स्टेप को फॉलो करना है, दोबारा भी सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है और इसको आपने सेम एज इज ही रहने देना है। ठीक है, वॉच नाउ का बटन आ चुका है और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो इधर हमने नीचे लाइव जो मैच है वो हम रन करेंगे, कैसे करना है ये आपके सामने एक वेबसाइट है, न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और ये आपके सामने मैंने इसको बुक मार्क किया हुआ क्रिक एचडी। इसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बेसिकली ये जो वेबसाइट है ये भी एडसेरा से अर्न कर रही है। ठीक है,
आपके सामने मैं इधर किसी भी जगह के ऊपर क्लिक करूंगा ना, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मैं ए स्पोर्ट एच डी के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा जो टारगेटेड चीज है एच डी स्पोर्ट चैनल हमें वो नजर नहीं आएगा, ये हमें लेके जाएगा किसी एड के ऊपर, ठीक है। ये अभी एड से जाके एड चल रहे हैं, इसको मैं अभी बैक रिमूव करता हूँ, अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये अभी हमें जो है वो इसके ऊपर लेके जाएगा जिस चीज के ऊपर हमने क्लिक किया है, ठीक है। एक दफा जब आप क्लिक करेंगे तो ऐड हो शो, ऐड शो होगा, दूसरी दफा आप क्लिक करेंगे तो आपको आपकी जो मतलूबा चीज है वो शो हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी आपके सामने ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, तो ये आपके सामने जो पीएसएल के मैचेस हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, और ये जो नीचे आपको कोड नजर आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अगेन आप किसी ऐड के ऊपर जाएंगे, लेकिन दोबारा इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको कॉपी कर सकेंगे, ठीक है। मैं आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, इसको हम अगेन इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। एक दफा हमने इसके ऊपर क्लिक कर लिया था, लेकिन अभी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये आपके सामने ऐड आपको लाइव स्ट्रीमिंग चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा यार नेट का इशू है, लेकिन इसलिए ये थोड़ी सी ब्राउजिंग कर रहा है, ठीक है। इसलिए आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, आप इसको इजीली अपनी वेबसाइट के ऊपर रन कर सकते हैं। अगेन इसका कोड को कॉपी कर लेना है आपने, जिस भी चैनल को आपने अपने वेबसाइट के ऊपर रन करना है तो उसको आपने इधर से कॉपी कर लेना है, उसके बाद अगेन आना है आपने अपनी वेबसाइट के अंदर, और इधर आके आपने ये जो पेंसिल का आइकन नजर आ रहा है व्यू एच टी एम एल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और ये जो आपके सामने आपने एंड के ऊपर इसको अपने कर्सर को लेके आना है और इंटर दबाना है, स्पेस देनी है, और एंड के ऊपर आके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये कोड आपने पेस्ट कर देना है, और उसके बाद अगेन हम व्यू कस्टम इसके ऊपर आते हैं, हम पोज व्यू के ऊपर और प्रीव्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, ये आपके सामने हमारा जो मैच है जो लाइव स्ट्रीम है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर नजर आएगी आपको, ठीक है। ये आपके सामने थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये आपके सामने जो लाइव स्ट्रीम है वो इधर हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुकी है। जस्ट आपने वो कोड कॉपी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर आके पेस्ट करना है व्यू एच टी एम एल के अंदर, तो आपका जो मैच है वो स्काई स्पोर्ट क्रिकेट आपके सामने लाइव चल रहा है, ठीक है। इस तरह आपने अपनी जो वेबसाइट के ऊपर अपना मैच जो है वो रन करना है, लेकिन आपकी अर्निंग इसके ऊपर नहीं होगी, आपने इसकी ये सारा काम कर लिया आपकी अर्निंग नहीं होगी, आपकी अर्निंग किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है ये भी आपने समझ लेना है, ठीक है। ये तो इसलिए हमने ये अपने वेबसाइट के ऊपर रन किया कि यार लोगों को इस चीज़ की जरूरत है, लोग इन चीज़ों को सर्च करते हैं देखते हैं, तो ये चीज़ आप अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाएंगे तो उसके ऊपर लोग आएंगे, जिससे जिसके ऊपर आपके ऐड लगे होंगे तो आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अभी हम इसके ऊपर अपने ऐड रन करेंगे, ऐड लगाएंगे, कैसे लगाने अभी आपने समझ लेना है। एडिट के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको व्यू एच टी एम एल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ये आपके सामने ये हमारे पोस्ट की कोडिंग है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे अपने एड सीजा के अंदर, ये आपके सामने मेरा एड सीजा का अकाउंट है, ये आपके सामने आपको 2.53 USD बैलेंस भी नजर आ रहा है। इसको अर्न करने के लिए मैंने कोई इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं की, जस्ट इसी तरह एक दो पोस्ट लगा देता हूँ, मेरी काफी ज्यादा वेबसाइट है उससे मुझे ऑर्गेनिकली कुछ ना कुछ ट्रैफिक जो है वो मिलती रहती है। आपके सामने जो आज डेट है आप चेक कर सकते हैं, 24-23 तारीख है, और तकरीबन अभी क्लिक्स तो कोई भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी 0.01 अर्निंग हो चुकी है 52 इंप्रेशन के ऊपर, ठीक है। इस तरह मुझे ये आप चेक कर सकते हैं कितने स्टैट्स हैं, ये 5 क्लिक्स हैं, और ये सारे आप चेक कर सकते हैं। थोड़ी बहुत ही जो अर्निंग है वो इसके अंदर ऐड होती रहती है, तो इसी तरह आपने अगर इसके ऊपर प्रॉपरली काम करेंगे तो भाई इससे आप 3, 4, 5, 10 डॉलर इजिली अर्न कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जी अपने वेबसाइट की तरफ, ये आपके सामने वेबसाइट है, और अभी आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप उस वीडियो को देखेंगे उसके अंदर मैंने ऐड जो है वो क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, आप एक दफा उसको देख लेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी, आप इजीली अपने जो एड्स है वो अपने ऐड सीधा से लेके ब्लॉगर के ऊपर जाके पोस्ट कर सकेंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ करके, थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है यार, तो इसलिए माजर चाहता हूँ। और ये आपके सामने वो वेबसाइट है जिसके ऊपर अभी हमने मैच रन किया है, ठीक है। तो ये आपके सामने नीचे आपको ऐड नजर आ रहे हैं, बैनर ऐड है, उसके बाद प्रोपोंडर है, और उसके बाद डायरेक्ट लिंक है, ये सारे ऐड हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे। गेट कोड के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, जैसे गेट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे कॉपी कोड के ऊपर क्लिक कर लेना है, अगेन हम आएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, और इधर आके आपने आना है एच टी एम एल व्यू के अंदर, और अगेन आपने इसके अंदर जो सबसे टॉप के ऊपर अपने फर्स्ट ऐड जो है वो बैनर ऐड हमने लगाना है। इधर आके जो कोड हमने ऐड सीधा से कॉपी किया था वो इधर हम आके पेस्ट कर देंगे, और एक ऐड हम नीचे सेम एच टी सी इसको पेस्ट कर देंगे, आपने गौर से वॉच कर लेना है, ठीक है। एक ऐड हमने बैनर ऐड ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद कंपोज व्यू के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं, ये अभी हम दूसरा ऐड भी लगाते हैं, सोशल ऐड भी लगाते हैं, और उसके बाद हम प्रोपोंडर ऐड भी लगाते हैं। ये आपके सामने हमारा ऐड सीधा है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, और उसके बाद ये आपके सामने है नीचे डायरेक्ट लिंक, इसको भी हम लगाएंगे, लेकिन फिलहाल हम सोशल जो है वो ऐड इसको लेते हैं। इसके ऊपर हम गेट कोड के ऊपर क्लिक करते हैं, कॉपी कोड के ऊपर क्लिक करते हैं, अगेन हम आते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ये हमारे सामने वेबसाइट है, और इसके बाद सबसे टॉप के ऊपर हम सोशल बार लगाएंगे, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, और उसके बाद हम इसको सबसे टॉप के ऊपर अपना कोड पेस्ट कर देंगे, ये हमारा सोशल बार भी लग चुका है। और उसके बाद हम अगेन आएंगे इसके अंदर एड सीधा के अंदर, और ये सारे बारी बारी हम अपने ऐड जो है वो लगाएंगे। अभी हम पोपंडर ऐड लगाएंगे, ये आपके सामने पोपंडर ऐड लग चुका है, ये जो पोपंडर ऐड है ना इससे आपकी जो अर्निंग होगी वो 110% होगी, ठीक है। कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद अगेन हम आएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, और इसको हम सबसे नीचे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इंटर करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद हम इसको कंपोज व्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, और
के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ये आपके सामने, अभी मैं इसको यार क्लोज कर लेता हूँ, काफी टैब ओपन हो चुके। तो ये आपके सामने हमारा प्रीव्यू नजर आएगा और इसके ऊपर आपको सोशल बार भी नजर आएगा और आपको पंडर भी नजर आएगा। ये आपके सामने सोशल बार है और अगर मैं किसी भी जगह के ऊपर क्लिक करूंगा ना, ये अभी सारी जगह क्लिकेबल है। किसी भी जगह के ऊपर कोई भी विजिटर आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, गलती से भी क्लिक हो जाता है किसी भी पेज के ऊपर, तो वो आपके ऐड के ऊपर चला जाएगा। और जब आपके ऐड के ऊपर जाएगा उसका इंप्रेशन कुछ होगा, क्लिक शो होगी, तो आपको उसकी अर्निंग होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है। इसको हम इधर से बैक कर लेते हैं। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद ये आपके सामने सोशल बार इसी तरह आता रहेगा। इसके ऊपर क्लिक हो चुका है, ये दोबारा हमें ब्राउज के ऊपर लेके चला, ठीक है, जा चुका है। तो इस तरह कोई भी कस्टमर आएगा और आपके ऐड के ऊपर क्लिक होगा, तो जिस भी वेबसाइट ने अपना ऐड रन किया होगा उसके ऊपर जाके वो चला जाएगा, आपकी अर्निंग हो जाएगी। तो इसी तरह आपने अर्निंग करनी है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इसके ऊपर ट्रैफिक ऐसे लेके आनी है, वो भी आपने समझ लेना है। अभी हमने इसको पोस्ट नहीं किया, ठीक है, अभी आपके सामने लाइव इसके ऊपर हमारी ट्रैफिक भी आएगी, हमारी अर्निंग भी होगी। ये चीज़ आपने गौर से समझ लेनी है। तो ये बार बार इस तरह सोशल ऐड आते रहेंगे, आपकी अर्निंग होती रहेगी। ठीक है, ये आपके सामने एड्स आपके नजर आ रहे हैं। जितने ज़्यादा आपके एड्स आएंगे, ये आपके बैनर ऐड लगे हुए हैं और ये आपके सामने हमारा मैच चल रहा है और ये सोशल ऐड आ रहा है, और कोई भी बंदा इसके ऊपर कहीं पर भी क्लिक कर देता है तो आपका पंडर ऐड लगा होगा, आपकी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। उसके बाद हमारा जो मेन चीज़ है, डायरेक्ट लिंक आपने किस तरह लगाना है, ये आपके सामने आपने आना है अगेन अपनी वेबसाइट के अंदर, और ये जो पिक्चर है इसके ऊपर भी आपने ऐड लगाना है डायरेक्ट, और ये जो वॉच नाउ का बटन है इसके ऊपर भी आपने डायरेक्ट ऐड लगाना है। अगेन आएंगे हम अपने एड सीधा अकाउंट के अंदर, ये आपके सामने हमारा एड सीधा अकाउंट है और डायरेक्ट लिंक उधर से हम कॉपी कर लेंगे, ये डायरेक्ट लिंक है, कोड कॉपी कर लेंगे, कॉपी किया। उसके बाद अगेन हम आए अपनी वेबसाइट के अंदर, ये आपके सामने वॉच नाउ का बटन है और ये आपके सामने इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये जो ऑलरेडी ब्लॉगर का लिंक है इसको हम कर देंगे रिमूव, ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे। इधर आके हम इसको पेस्ट करेंगे, उसके बाद ओपन दिस लिंक इन ए न्यू विंडो, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसका लिंक, ये लिंक, डायरेक्ट लिंक हमारा इधर लग चुका है। कोई भी बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा हो जाएगा हमारे डायरेक्ट लिंक के ऊपर, और डायरेक्ट लिंक से जो अर्निंग होती है वो आपको पता है कि डबल अर्निंग होती है। इसके ऊपर भी सेम करेंगे, इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये लिंक हम इसको इधर से रिमूव कर देंगे और इधर भी हम अपना जो डायरेक्ट लिंक है वो लगाएंगे। ठीक है, पेस्ट कर दिया, उसके बाद इसको हम कर देंगे ओपन दिस न्यू विंडो और ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस तरह आपने ये सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद आपने इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है, कन्फर्म कर देना है, तो ये आपके सामने पब्लिश हो चुका है। अभी आप चेक कर सकते हैं कि जीरो इसके ऊपर जो है वो व्यू है। थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ ट्रैफिक जरूर आएगी, क्योंकि ये जो टाइटल हमने दिया है ये सर्चेबल दिया है और इसकी जो मैंने एसईओ की हुई है वेबसाइट की, वो सर्च में, यानी कि मेरी वेबसाइट जो है वो सर्च में आ रही है। हालांकि इसके ऊपर ना तो मैंने कस्टम डोमेन कोई लगाई है, लेकिन इसकी मैंने सेटिंग इस तरह की है कि ये सर्च में आती है। ठीक है, इधर से मुझे जो भी ट्रैफिक आती है वो सारी ऑर्गेनिकली आती है, कोई मैं इसको प्रमोट नहीं करता, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने प्रमोट कैसे करना है। इस लिंक को आपने इधर से कॉपी कर लेना है और उसके बाद कॉपी लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपने इसका जो लिंक है वो आपने किसी भी शॉर्टनर से शॉर्ट कर लेना है। ये मेरे पास बैटली है, मैं बैटली को यूज़ करता हूँ, आप किसी भी यूआरएल शॉर्टनर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, अपने जीमेल से इसको आपने लॉगिन कर लेना है और इधर आके हमने इसको पेस्ट कर देना है, और उसके बाद आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये विद इन 1 सेकंड आपका जो लिंक है वो शॉर्ट करके दे देगी। जी, आपने इसको शॉर्ट करके दे दिया, इसको आपने इधर से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है फेसबुक के अंदर। ठीक है, इधर आके हम इसको पेस्ट कर देंगे और इधर आपने लिख देना है, इसको इंटर करना है और इधर आपने लिख देना है वॉच नाउ। ठीक है, इधर मैंने लिख दिया है क्लिक हियर टू वॉच, उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने इसको पोस्ट कर देना है। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये पोस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं इसको पोस्ट नहीं करना चाह रहा। आपने इस तरह अपने फेसबुक के ऊपर किसी भी ग्रुप्स के अंदर, ये आपके सामने मेरे पेजेस हैं, अगर मैं इनके अंदर इसको लिस्ट करना चाहता हूँ, यानी कि पोस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। आपने किसी भी जगह के ऊपर, जितनी ज़्यादा जगह के ऊपर इसको आपको शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आएगी। जितनी ज़्यादा आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आएगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो है वो अर्निंग होगी। ठीक है, क्योंकि आपके उसके ऊपर एड लगे हुए हैं। तो इस तरह आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, आप चेक कर सकते हैं तकरीबन 7 व्यूज हमें मिल चुके हैं। तो इस तरह आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है और आपने अर्निंग करनी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रही तो आप फील फ्री कमेंट सेक्शन के अंदर आके पूछ सकते हैं, मैं चल आपको गाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।